दुर्ग रेलवे स्टेशन पर देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को निकालकर कचरे में फेंकने का मामला मुख्य टिकट निरीक्षक वीपी नायडू की मुश्किलें इसमें बढ़ गई है। अंबेडकर अनुयायियों के विरोध और हंगामे के बाद मुख्य टिकट निरीक्षक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और इस दौरान GRP और अंबेडकर अनुयायियों के बीच जमकर तीखी बहस भी हुई। आपको बता दें कि कार्रवाई नहीं होने से नाराज सैकड़ों की संख्या में अंबेडकर समर्थकों ने GRP चौकी के सामने धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद आखिरकार मुख्य टिकट निरीक्षक वीपी नायडू पर राजद्रोह, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने समेत कई धाराओं में FIR दर्ज की गई। अभी बाबा साहेब की जयंती को 3 दिन नहीं गुजरा था, अभी तो 3 दिन गुजरा है। कल जब मामला हमारे सामने आया श्रीमती वीपी नायडू के द्वारा, जो रेलवे में यहाँ पर कर्मचारी हैं उनके द्वारा बाबा साहेब के छायाचित्र को कचरे के डब्बे में फेंकने का प्रकरण सामने आया है, जैसी जानकारी समाज के पदाधिकारियों को लगी वैसे ही सभी ने बड़ी संख्या में पहुंचकर यहां पर अपना आक्रोश दिखाया और कार्यवाही की मांग की। जो वीपी नायडू जो हैं उन्होंने, ये बहुत ही निंदनीय है और आप देख रहे हैं समाज में किस तरह का आक्रोश है, और ये आक्रोश सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी बाबा साहेब के अनुयायियों द्वारा अब दिखने मिल रहा है। हमारे पास कल सूचना शिकायत आया है लिखित में कि PT ऑफिस में PT नायडू नामक महिला PT उसमें बाबा साहब का फोटो को नीचे उतार कर टेबल के नीचे रख दिया था। ये लिखित आवेदन आया जिसका जांच किया जा रहा था और आज उसके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, क्योंकि उसके 295A और 124A के अंतर्गत उसके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।